Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the activity 2.5. So this activity has been taken from chapter 2, that is microorganism friend and foe, given in the NCERT science book of grade 8. So let's get started. So in this activity you are supposed to take two pots and fill each pot half with soil. तो आपको एक दो मटके लेने हैं, उसको जो है मिट्टी से भरना है, ठीक है। उन दोनों पॉट्स को, मटकों को मार्क कर लेना है, एक को मार्क ए कर लेना है और एक को बी कर लेना, राइट। अब उसमें क्या करना है कि जो जिसके आप जिस पे आपने ए मार्क किया हुआ है उसमें आप प्लांट वेस्ट डालेंगे, राइट। प्लांट वेस्ट जैसे कि आपकी जो घर पे जो है सब्जियों के छिलके हो गए या आपकी जो भी बची खुची सब्जियां हैं, राइट, वो उसमें डाल दें, राइट। और दूसरे जो है पॉट, दैट इज पॉट बी, उसमें आप क्या डालोगे, जैसे पॉलीथिन बैग हो गया, एम्प्टी ग्लास बॉटल होगी, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल वगैरह होती हैं, राइट, ग्लास की आइटम्स होगी या प्लास्टिक की बॉटल्स होगी या कुछ टूटा फूटा टॉय है, उसमें जो है जो उसको है जो पॉट बी में डालना है, राइट। अब इन पॉट्स को जो है एटलीस्ट फॉर जो है साइड पे रख दें, ठीक है। देन यू आर सपोज टू ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 weeks, मीन्स कहने का मतलब एक महीने के बाद, क्यों 4 weeks में एक 1 month, तो आप जो है एक मंथ के बाद जो है यू आर सपोज टू ऑब्जर्व देम। सो वट विल बी योर ऑब्जर्वेशन, सो वेयर इज इन जो जिसको आपने पॉइंट पॉट ए मार्क किया है जिसमें आपने एनिमल वेस्ट डाला था, उसमें जो है जितने भी प्लांट वेस्ट थे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, हम ये कह सकते हैं कि दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेन्योर। वेयर एज जो कि पॉट बी था जहाँ पे हमने पॉलीथिन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स थी और ब्रोकन प्लास्टिक टॉय डाले थे, उसमें वो टॉयज और बैग्स और ग्लास बॉटल वैसे की वैसे ही है। तो पॉट ए और पॉट बी में हमने क्या नज़र देखा कि जो पॉट ए था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एक्ट किया। हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के ऊपर एक्ट करते हैं, और जबकि ये जो पॉट बी था उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस थी। तो जो पॉट ए था वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उनको कन्वर्ट कर दिया मेन्योर में, जैसे कि सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया, जबकि जो इन पॉट बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड नॉट सिंप्लीफाई दीज पॉलीथिन बैग्स या एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड प्लास्टिक बॉटल। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो पॉट ए में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो हैं उन चीज़ों को खा गए हैं या उनको मेन्योर में कन्वर्ट कर दिया है, सो मीन्स दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। हमने देखा होगा, आपने देखा होगा सड़कों के अराउंड बहुत बार जो है कुछ जानवर मरे होते हैं, तो थोड़े दिन बाद जो है वो जानवर आपको नहीं मिलते हैं क्योंकि उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं और वो धीरे धीरे उनको मिट्टी में मिला देते हैं, राइट। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं एक्ट करते हैं वो सालों साल ये चीज़ें ऐसी ही पड़ी रहती हैं, राइट। सो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, दे एक्ट ऑन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, दे हेल्प इन सिंप्लीफाइंग द complex substances into simpler substances, whereas microorganism cannot act on non-biodegradable substances. Thank you so much for watching.